हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। बच्चों, क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि आईयूपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड इज, ये जो कंपाउंड हमें दे रखा है इसका आईयूपीएसी नेम हमें बताना है। तो आईयूपीएसी नेम लिखते हैं तो सबसे पहले हम अपनी प्रिंसिपल चेन छांटते हैं बच्चों। ओके, तो यहाँ पर देखो दो फंक्शनलिटी है आपके पास में, एक तो एल्कीन है और दूसरा एल्डिहाइड है। अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी ऑर्डर, तो एल्डिहाइड की प्रायोरिटी क्या होती है बच्चों? एल्कीन से ज्यादा होती है। तो आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इसमें कौन होगा? एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड के लिए सफिक्स हम क्या यूज करते हैं? अल यूज करते हैं बच्चों। अब मेन चेन वो होगी बच्चों जिसमें एल्डिहाइड आएगा बच्चों। ओके, वो तो एक ही चेन है तो वही है बच्चों, 1 2 3 4 5। ओके बच्चों, पांच कार्बन की है तो वर्ड रूट क्या हो जाएगा बच्चों? पेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पेंट। अब नंबरिंग इस हिसाब से करेंगे कि एल्डिहाइड को मिनिमम नंबर दे। अगर यहाँ से चले तो इसको तो बच्चों बहुत बड़ा नंबर मिलेगा, लेकिन यहीं से चलना पड़ेगा अब तो हमें, 1 2 3 4 5। ओके बच्चों, तो 1 है बच्चों, तो ये बन जाएगा आपका पेंट। ओके बच्चों, देखो अभी यहाँ पर दो नंबर पे एल्कीन है। ओके, और एल्कीन का नाम एल्कीन हो या एल्काइनो, इनका जो इनको इनका जो रिप्रेजेंटेशन है ना बच्चों, वो हमेशा किसके बाद आता है? आपके वर्ड रूट के बाद आता है। तो वर्ड रूट हो जाएगा पेंट। उसके बाद अब आपने एल्कीन का नंबर दो, नंबर 2 भी है 3 भी है, लेकिन छोटा नंबर लेते हैं बच्चों हमेशा। ओके, पेंट 2। इसके लिए आप क्या यूज करते हो? एल्कीन के लिए इन यूज करते हो। फिर उसके बाद में मेन फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन नंबर 1 है और साथ में इसका सफिक्स अल। ओके बच्चों, पेंट 2 इन 1 अल, ये क्या हो जाएगा बच्चों? आपका इस गिवन कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।